नमस्कार दोस्तों, कृष्णा यश में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूपीएससी 2021 के जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर की बात करेंगे और इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखें, क्या सही तरीका हो उन प्रश्नों का आंसर राइटिंग का, किस तरह से हम एक स्टैंडर्ड मैनर में क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड तो होता ही है, साथ ही साथ उसके जो उत्तर लेखन है उसके लिए हमें टेक्निक की ज़रूरत होती है। हम केवल ज्ञान के बल पर हम उसके आंसर को नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है कि आपको 150 वर्ड में लिखना है इस, और इसके लिए 10 मार्क्स है आपके पास। ये फर्स्ट एक क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर का और इसको मैं देख लेता हूँ एक बार। इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स ए कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग को दो बातें करनी है। इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर यानी भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करना है, और दूसरा पार्ट है कि भक्ति साहित्य का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके कंट्रीब्यूशन को भी हमें देखना है। यानी कि एक क्वेश्चन में ही हमें इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर की बात करनी है। दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के भीतर, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हमारे पास 150 शब्द है जो बहुत कम होता है, शब्द अगर आप देखें तो बहुत कम शब्दों में हमें लिखना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आपको स्किल की ज़रूरत है। हाँ, बिना ज्ञान का स्किल भी नहीं आता है, बट अगर आप स्किल डेवलप कर लेते हैं तो कुछ कम ज्ञान में भी आप क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से लिख सकते हैं। हमें ज़्यादा फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसी प्रश्न को देखिए कि जब दो बातें हम करते हैं, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर भक्ति साहित्य की प्रकृति, और दूसरा कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर यानी भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति में क्या योगदान किया है, इसका मूल्यांकन हमें करनी है, राइट। पहला जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है कि आप इसके इंट्रोडक्शन को कैसे तैयार करें, क्योंकि एक एक लाइन एक एक वर्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में अगर आप जीएस के पेपर को 150 शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं तो कुछ पार्टिकुलर वर्ड आपको रिमेम्बर रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों पर जब तक आपका बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप बेहतर आंसर नहीं कर पाते। इसके लिए जब आप इंट्रोडक्शन लिखें भक्ति लिटरेचर नेचर और भक्ति लिटरेचर, तो पहला जो लाइन शुरू होगा वो आपके इंट्रोडक्शन से होगा। ये किसी भी क्वेश्चन में हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो एक लाइन हमें लेनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जब आप बहुत अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि भक्ति साहित्य
एक बहुआयामी प्रकृति का साहित्य है। भक्ति साहित्य एक बहुआयामी प्रकृति का साहित्य है। भक्ति लिटरेचर इज ए मल्टी डायमेंशनल लिटरेचर, यानी कि यहाँ पर हम इसके एक चीज की बात कर रहे हैं, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल। ध्यान रखना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसकी प्रकृति मल्टी डायमेंशनल था, मल्टी डायमेंशनल है। अब ये मल्टी डायमेंशनल जो प्रकृति है, इसी की व्याख्या क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत करना है। क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, जिसमें आप लिखेंगे इसके मल्टी डायमेंशनल जो प्रकृति है उसके बारे में, तो इससे मल्टी डायमेंशनल प्रकृति की जब व्याख्या आप करेंगे, यानी ये आपका स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। ध्यान ये रखना कि किसी क्वेश्चन का जो मेन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, वो होता है स्ट्रक्चर। तो इससे स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप ये पहला जो पॉइंट आप यहाँ पर क्रिएट करें, उसमें कहें कि ये फोक लिटरेचर है, फोक लिटरेचर है ना, यानी कि यह भक्ति जो साहित्य है ये लोक साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। पहला चीज लोक साहित्य फोक लिटरेचर का प्रतिनिधित्व करता है। कैसी ये लोक साहित्य है, एक तो आप देखिएगा कि भक्ति साहित्य का विकास से एक लंबी अवधि के दौरान भारतीय इतिहास के अंतर्गत हुआ है, जो कि आप साउथ इंडिया में देखेंगे। भक्ति साहित्य का विकास अलवार एवं नेनार संतों के द्वारा प्रारंभ हुआ। उन अलवार एवं नेनार जो संत हैं उसमें कई महिलाएं भी हैं, कई निम्न वर्गीय लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो साहित्य की रचना कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में जब भक्ति आती है तो यहाँ भी आपको वो प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है, वो प्रकृति दिखाई देती है कि इसमें कई निम्न वर्गीय लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, स्त्रियां भी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, और वो रचना कर रही, भक्ति के लिटरेचर की रचना कर रही, रचनाकार हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे समझ से जब आप पॉइंट्स बनाएंगे, तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहें कि भक्ति साहित्य एक लोक साहित्य है, एक फोक लिटरेचर है, और इस फोक लिटरेचर का विकास भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक लंबी अवधि के दौरान हुआ है, राइट? और उस लंबी अवधि के दौरान जब इसका विकास होता है तो इस भक्ति जो लिटरेचर है ये अल्टीमेटली डेवलप होता है रीजनल लिटरेचर के रूप में। ध्यान ये रखना है, क्षेत्रीय साहित्य, ये दूसरा इसकी प्रकृति है कि इसके अंतर्गत हम रीजनल साहित्य का विकास देखते हैं, क्षेत्रीय साहित्य का विकास देखते हैं। अगर आप पे भारत के पूरे मानचित्र को देखें और भक्ति साहित्य के विकास को देखें उस समय, तो आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटक, अलवार और नेनार भक्ति संप्रदाय का भी विकास होता है और भक्ति साहित्य का विकास होता है। गुजरात में आप आएंगे तो देखेंगे कि नरसिंह मेहता द्वारा भक्ति साहित्य की रचना की जा रही है, और महाराष्ट्र में देखेंगे कि नामदेव हैं, तुकाराम हैं। राजस्थान में जब आप आएंगे तो मीराबाई को पाएंगे, और फिर उत्तर प्रदेश में अगर ब्रज क्षेत्र में आप आएंगे तो सूरदास को पाएंगे, और अवध क्षेत्र में जाएंगे तो तुलसीदास को पाएंगे, और फिर बनारस की ओर जाएंगे तो कबीर को पाएंगे जिन्होंने हिंदी का विकास किया। तो अवधि भाषा का विकास में तुलसीदास का योगदान होता है, ब्रज भाषा के विकास में योगदान आपको सूरदास का होता है,
कबीरदास हिंदवी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, मीराबाई राजस्थानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, गुरु नानक पंजाबी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर पूरब की ओर जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में बंगला भाषा एवं साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, शंकर देव असमी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो एक तरह से भक्ति साहित्य के अंतर्गत जो लोक साहित्य के रूप में इसका विकास तो दिखाई देता ही है, लोक साहित्य की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों इसमें है, उसी तरह से ये रीजनल साहित्य के रूप में भी विकसित होता है और रीजनल साहित्य का इसका नेचर भी है। रीजनल साहित्य को तो आप चाहें तो भारत का एक मानचित्र बना करके उसमें रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपको एक दो नंबर तो बढ़ ही जाएगा उसमें। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान ये रखना है कि चूंकि ये भक्ति साहित्य हैं तो इन भक्ति साहित्य में रिलीजन यानी ये रिलीजियस लिटरेचर है, राइट? ये रिलीजियस लिटरेचर है क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान की भक्ति प्रेम भी इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट भूमिका है, प्रेम की वात्सल्य की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो भक्ति साहित्य हैं इसमें धर्म के साथ साथ प्रेम और वात्सल्य भी है और इन दोनों चीज़ों को भक्ति साहित्य रिफ्लेक्ट करता है। तो धर्म से जुड़ा हुआ और उस धर्म का केंद्र प्रेम, क्योंकि जो भक्ति साहित्य के कई जो है भक्ति आंदोलन के नेता हैं, जो साहित्यकार हैं, वो भगवान की पूजा प्रेमी और प्रेमिका के रूप में करते हैं, वो स्वयं को भगवान की प्रेमिका के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं, यानी कि इस बात को ध्यान में रखना है कि भक्ति लिटरेचर जो है उसमें प्रेम की व्याख्या आध्यात्मिक स्वरूप में हुई है और ये प्रकृति भक्ति साहित्य में दिखाई देती है, जिसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक और चीज़ से आप ध्यान में रखिए, प्रेम भक्ति के साथ साथ रिलीजन के साथ साथ इसमें सेकुलर ट्रेंड भी दिखाई दे रहा, यानी सेकुलर नेचर भी है इनका, क्योंकि भक्ति साहित्य जो है ये धर्म को लेकर इस साहित्य की रचना तो की जा रही है लेकिन मनुष्य के लौकिक जीवन पर दृष्टिपात भक्ति साहित्य बड़े व्यापक पैमाने पर करता है, जो कि इसकी प्रकृति के अंतर्गत ये सेकुलर नेचर भी दिखाई देता है कि लौकिकता की बात करते हैं। और कई भक्ति साहित्य के साहित्यकारों ने तो धर्म की आलोचना की है, जिसमें कबीर की भूमिका आप बहुत महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि कबीर किस तरह से तीखा हमला करते हैं धर्म पर, इसलिए इसमें लौकिकवाद भी है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है कि भक्ति साहित्य में आइडियलिज्म के साथ साथ रियलिज्म है, ये आइडियलिस्टिक भी हैं और रियलिस्टिक भी हैं। तो इनकी जो नेचर है ये एक तरह से आइडियलिस्टिक तो है ही लेकिन रियलिस्टिक भी हैं, यानी कि आदर्शवादी साहित्य हैं, इसके साथ साथ ये यथार्थवादी साहित्य भी हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि भक्ति साहित्य का जो नेचर है वो बहुआयामी है, आप इसको इस रूप में दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से भक्ति साहित्य जो है एक बहुआयामी प्रकृति का साहित्य है और इन चीज़ों को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो रेखा चित्र बना सकते हैं क्योंकि लिखने का इसको बहुत कम होता है। फिर हम बात करें कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ध्यान ये रखना कि इस सेक्शन में जब आप आएंगे कंट्रीब्यूशन भक्ति साहित्य का भारतीय संस्कृति में कंट्रीब्यूशन योगदान क्या है, तो भक्ति साहित्य का जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है चूँकि बहुआयामी प्रकृति का है तो इसका जो कंट्रीब्यूशन भी होगा वो बहुआयामी होगा, जिसको एक के वर्ड अगर आप कहें
तो आप कंपोजिट कल्चर के विकास में भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। कंपोजिट कल्चर सामासिक संस्कृति। अब ये बात ध्यान में रखना है कि कई लोग कंपोजिट कल्चर का जो व्याख्या करते हैं, सामासिक संस्कृति की जो व्याख्या करते हैं, उसमें केवल हिंद इस्लामी संस्कृति के विकास पर ज़्यादा बल देते हैं। निस्संदेह भक्ति साहित्य हिंद इस्लामी संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि भक्ति और सूफी जो संत हैं, इनके बीच विनिमय होता है, और इस विनिमय ने हिंद और इस्लामी यानी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच सामाजिक विनिमय का मार्ग प्रशस्त किया। आदान प्रदान ये करते हैं, और आदान प्रदान करने से एक ऐसा कल्चर का डेवलपमेंट होता है जिसमें इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म आपस में फ्यूज हो जाता है, और भारतीयता का एक कॉन्सेप्ट भारत में डेवलप हो जाता है, यानी कि भारत में जो इस्लाम है वो अरब के इस्लाम से डिफरेंट रूप में विकसित होता है। हमारा खान पाओ पान, हमारा पहरावा, हमारी ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट है कल्चर के, वो सब एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसका प्रोडक्ट तैयार होता है। इसमें भक्ति साहित्य की बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, केवल हिंद और इस्लामिक की बात नहीं है, भक्ति साहित्य उत्तर और दक्षिण के बीच भी समन्वय का काम करता है, यानी उत्तर की जो संस्कृति थी और दक्षिण की संस्कृति, इसके बीच विनिमय होता है। और इस विनिमय का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हिंदुस्तानी जो संगीत का डेवलपमेंट होता है, कर्नाटक संगीत का डेवलपमेंट होता है, तो उनके बीच समन्वय का प्रतिफल के रूप में वो दिखाई देता है। और इसके अलावा जो कल्चरल आदान प्रदान पूरी भारत में दिखाई देगा, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखाई या कि रीजनल लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है भक्ति साहित्य में, तो ये रीजनल जो लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है, उस रीजनल लिटरेचर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जिससे हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, इसका अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल इसका स्वरूप का विकास होता है, एक क्षेत्रीय स्वरूप का विकास होता है इसमें, और ये पूरे भारत के साथ भी समन्वय करता है और अपने क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखता है। ये भक्ति साहित्य का देन है। इसके अलावा अब बात करें भक्ति साहित्य का जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें सामाजिक के सुधार, सामाजिक परिवर्तन, एक प्रतिरोध की भाषा भक्ति साहित्य बनकर सामने आई थी, खास करके निम्न वर्गीय भक्ति की जब बात करेंगे या निर्गुण भक्ति की बात करेंगे, तो निर्गुण भक्ति जो है भारत की वर्ण व्यवस्था, भारत की जाति व्यवस्था, स्त्रियों की प्राधीनता के जो मसले थे, इसका प्रतिरोध करता है, और प्रतिरोध करके भारत में एक सामाजिक परिवर्तन का प्रयास करता है। यह दूसरा बात है कि वह सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट मध्यकाल में या एंशियंट पीरियड में इस तरह की बातें करना, और उन बातों को करने से क्या हुआ कि जो हिंदू समाज था ये लिबरल होता है, और मुसलमान जो समाज है, मुस्लिम समाज है, उसमें भी लिबरल धारा का विकास होता है, और एक उदारवादी समाज संस्कृति का विकास भारत में होता है। ये भक्ति साहित्य के माध्यम से होता है। भक्ति साहित्य ने कुछ धर्मों के विकास का भी मार्ग प्रशस्त किया, जैसे आप देखें कि सिख धर्म का जो विकास होता है उसमें भक्ति साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा हिंदू धर्म में अलग अलग जो संप्रदाय डेवलप होती है, उन संप्रदायों के विकास में भी भक्ति साहित्य की भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भक्ति साहित्य जो है लौकिकता पर जो बल देता है, श्रम की प्रधानता को स्थापित करता है, इससे भारतीय समाज में जो कामगार वर्ग है, जो कलाकार वर्ग है, उसको समाज में सामाजिक सम्मान दिलाने का प्रयास करता है,
और एक और अगर साउथ इंडिया के अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो भक्ति साहित्य मंदिर आंदोलन का सूत्रपात भी करता है, जो अल्टीमेटली मंदिर जो है बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण करता किया जाता है और संसाधन मंदिरों में आते हैं और वो मंदिर एक तरह से समाज की जो व्यवस्था है उसमें दो पहलू है, एक तो जो बनाए यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं जो कि उच्च वर्गीय भक्ति है या सगुण भक्ति है, और एक निर्गुण भक्ति है उसमें बदलाव लाने का प्रयास करता है, तो इनके बीच के एक संघर्ष के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी रेखांकित करने का प्रयास करता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का भारतीय संस्कृति के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और यह भक्ति आंदोलन भारत में अनेकता में एकता की जो संकल्पना है उसको स्थापित करती है और भारत में बहु संस्कृति मल्टीकल्चरिज्म के विकास में भक्ति आंदोलन का भक्ति साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह से आप